हे गाइस, जेके ब्लॉग में आपको स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। गाइस, तो आज हम लोग ऐसे घूमने के लिए निकल रहे हैं मार्केट। तो चलिए आपको मार्केट का नज़ारा दिखाते हैं और ये ब्लॉग रहेगा, आप लोग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं लालपुर, तो लालपुर का बुद्ध दिखाते हैं नज़ारा कैसा है। और सबसे पहली बात तो जो न्यू है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा सारा जगह का ब्लॉग रहेगा, लालपुर का रहेगा, लालपुर चौक के रहेगा, कोकर के रहेगा, कोकर चौक के रहेगा। हम लोग मतलब सारा बाज़ार में क्या क्या करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, देखिएगा तो ब्लॉग। चलिए जल्दी से जाइए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। देखिए करण भी रेडी हो रहा है, अभी करण जाएगा। हर महादेव शंभू संकेत भाई जा रहे हैं, मेन ड्राइवर हम ही हैं, सब कुछ ढोने वाला इंसान हम ही हैं, इसको भी ढोते हैं भाई। बस लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, इस भाई सपोर्ट कीजिए भाई। मेरे भी चैनल का नाम है रोशन ब्लॉग 9555, उससे मेरा अभी तक मेरा सब्सक्राइबर 5000 होने वाला है, उसका भी एडसेंस सपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगा। तो भाई सपोर्ट बनाए रखो, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए हाँ, चलिए ब्लॉग में दिखाते हैं वो। ये देखिए बुग्गू है। हेलो गाइस, देख सकते हैं हम बैठे हुए हैं इधर और मेरे पास सामान भी बहुत सारा है। लालपुर चौक है और इधर का नज़ारा देखिए। शाम के टाइम में बहुत अच्छा लगता है घूमने में गाइस, आप लोग कभी भी आइए लालपुर चौक घूमने के लिए। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जगह है इधर शाम का टाइम में। इसके ऊपर में जिम है गाइस, ये कोकर चौक है, इधर से हम लोग जा रहे हैं घर से। चलिए अभी आप आगे का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है। और गाइस बहुत ही अच्छा ब्लॉग इस सबके मिलने वाला है, आप लोग अच्छे से इंजॉय कीजिए। ये देखिए संपर्क हॉस्पिटल है, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम लोग घर की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे से दिखाते हैं। तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ मिलता है देखने के लिए, तो इस तरह लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। देखिए हमने क्या क्या आज खरीदारी किया राशन के लिए। सॉस, देखिए यहाँ पे सॉस है दो बड़ा बड़ा। एक मिनट जूम करके आप लोग को दिखाते हैं, सामने से ला कर दिखाते हैं। एक मिनट रुक जाइए, लाते हैं। देखिए हल्दी का पैकेट पैरेट, और हमने लिया चना, चना है 2 kg। ये सब राशन का सामान शॉपिंग किए। चलिए और दिखाते हैं। और ये सॉस लिए बड़ा वाला, क्योंकि ऋषि को लंच देने में दिक्कत होता था, इसलिए हम सोचे कि अब सुबह उठते हैं तो उसके लिए कुछ भाई ब्रेड देने पड़ता है, तो ये सारा चीज़ खरीदें। तो दिखा दिए। और एक चीज़ और दिखाना भूल गए थे, देखिए ये भी लिए एक टीना तेल। सरसों का नहीं है, ये रिफाइंड है, क्योंकि रिफाइंड में ही हम लोग खाना बनाते हैं। अच्छा, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, इतना मेहनत करते पूरा पसीना पसीना होने लगे, तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए भूल गए हैं बताना, आटा भी लेकर आया है। तो गाइस क्या, तो देखिए करण कितना मेहनत किया और सारा सामान हम लोग लेकर आए हैं, भाई बहन थक गए। तो राशन का सामान खरीदने में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और वहाँ पर दिखा नहीं पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था, आवाज़ भी आप लोगों को नहीं आता, अच्छा भी नहीं लग रहा था कैमरा करने में मतलब ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा भीड़ था, पसीना भी बहुत हम लोग को चलता था। कुड़िया का बेटा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।